चलो गाइस, अब मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी और मैं गांव के घर भी दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं गांव अपने घर से निकल गई हूँ, तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और जितने भी दादी और जितने भी मेरे चाचा मिलेंगे वहाँ सारे गांव में, और जितने भी भाई होंगे वो सब दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ ऐसी ही होती हैं, पत्थरों से बनी रहती हैं। और अब इधर एक घर है, इस पर चलते हैं। ये नया घर बना है। और इधर से मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये मेरे कमरे की खिड़की है और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है। पर चलिए हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं। पहले इधर जाएंगे और फिर उस तरफ जाएंगे, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये नया घर बना है। अरे कोई है घर पे? ये देखिए, घर बहुत अच्छा बना है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो ये घर बन रहा था, सीमेंटेड बना रखा है घर। क्या कर रहा दादी? हेलो। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, क्योंकि सबके सब कोई है नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग घास काटने जाते हैं। तो अब हम चलते हैं उस तरफ, इधर की तरफ जाते हैं हम। चले जरा, आ जा परी, आ रही हूँ मैं भी, रुक जा। ये देखिए, यहाँ पे ना चक्की भी है। चक्की ये देखो, ये चलती है, आटा वगैरह पीसते हैं इसमें। एक मिनट, अगर कोई होगा घर पे तो देखती हूँ। सबने ताले लगा रखे हैं। ये देखिए घर, देखिए अब इधर का। यहाँ पे सीमेंटेड घर आपको ना बहुत कम मिलेंगे, और यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों ने वैसे ही घर बना रखे हैं। अब सीमेंटेड बनाने लग गए हैं घर। इस तरफ खेत आते हैं, ये देखिए। चलिए हम ऊपर आ गए, अब चलते हैं। ये एक और घर है यहाँ पे, ये देखिए ये घर। आपको मैं बताती हूँ कि जो पत्थर वाले घर है ना, पहले के ज़माने में सीमेंट वगैरह नहीं होता था। पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं होता था, तो लोग मिट्टी और पत्थरों से ही घर बनाते थे। और इसमें आधे से ज़्यादा गांव की मिट्टी यूज़ हुई है। और इसको जो आप ऑरेंज ऑरेंज देख रहे हो ना कलर, ये कलर जो है वो ऑरेंज वाली मिट्टी और उसके साथ साथ गोबर को मिला के इस पूरे गांव कमरे को लीपा जाता है। और इसके साथ साथ पत्थरों में, शायद से मैं देखने से तो मुझे लग रहा है कि मिट्टी वगैरह यूज़ की गई है ज़्यादा। और पहले मुझे नहीं लग रहा कि सीमेंट कोई यूज़ हुआ है इस पे। और आपको दिखा, देखिए ये घर, ज़्यादातर लोगों ने डिश लगा लिया। और कल मैंने एक दादी का दिखाया था, इसको तो छोड़ देती हूँ। ये देखिए घर, यहाँ पे भी घर बन रखे हैं। ज्यादातर लोग खेतों में गए हैं। दादाजी क्या कर रहे हो आप, अकेले हो आज? ये देखो आपकी फोटो आ रही है। हाँ वीडियो बना रही हूँ मैं। आउच, दादी तो वहां काट रही है ना पेड़। देखो, चलिए अब उधर से अब हम नीचे आ गए, नीचे जाते हैं। यहाँ मेरी ताई जी रहती है, उमा। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया होगा, अगर वीडियो में क्लिप डालूंगी तो। बाकी मैं, ये मेरी ताई जी का घर है। ताई जी ऊपर से घर पे नहीं हो? ये देखिए इनका घर। आ गई, और ताई जी का घर है ये। और यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा दिखता है, अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ज़्यादातर गांव के लोग इस समय अपने खेत में चले जाते हैं कुटाई करने के लिए, या फिर अगर जिन लोगों के गाय वाय हैं तो वो लोग यहाँ अपने खेत में
पेड़ वेड़ काटने चल जाते ताकि वो अपनी गाय वगैरह को खिला सके, या बकरी है तो बकरी को खिलाने के लिए भी उनके पास घास हो। ताई जी को घर से निकलते हैं, अब वो तो है नहीं, वो खेतों पर गई हुई हैं, और चलिए इस तरफ चलते हैं। अभी हम इधर से आए थे और अब हम इधर से जा रहे हैं। चलिए इधर, ये इनकी छन्नी है। आ गए आउच, ये हाँ वहाँ पे खींची थी ना मैंने आपकी फोटो, वीडियो बनाई मैंने आपकी। मैं सोचा आप यहाँ आओगे तब कर, आती हूँ अभी। आ रहे हो ना अभी, यहीं पे हो ना, आ रही हो अभी, आ रही हो। ताई जी आ गए अब, ये मेरे ताई जी हैं। हाँ क्या खड़ी हो, खड़ी हो, चिंता कर। गाँव के सभी लोग ऐसे लाते हैं घास, मेरे ताई जी हैं। हाँ इनकी एक बकरा है और उसके लिए घास लेके जा रहे हैं। हाँ ये देखो, ये इनकी छन्नी है, जो गाय भैंस जहाँ रहती है, बकरी जहाँ रहती है, जहाँ जानवर रखते हैं उनको छन्नी बोलते हैं, उस जगह को गढ़वाली में। देखो अब आगे गढ़वाल में बोला ताई जी, गढ़वाल में बोलते में वही बड़े जा रही। हां यहीं बड़े घूमता घूमता मां फादर बड़े आ रही है ना। हां ताई जी बोल रही हैं कि यहां से जा और वहां से चली जाइयो। हां गनिया जाऊं कर पास आ जाइए। हां मैं वहां चल जाऊं, चल ऊपर जाऊंगी ना अभी। चलो ठीक है, ओके बाय। ताई जी ने बोल दिया गढ़वाली में, और अब चलते हैं हम अपने रास्ते। ये रास्ता है, यहाँ से ना अभी पंदर आएगा, यहाँ पे गढ़वाली हमारे यहाँ तो उत्तराखंड जो होते हैं वहाँ पे जितने भी पानी के झरने होते हैं उस जगह पे जो भी झरना होगा उसको हम पंदर बोलते हैं, पंदर और गढ़वाली भाषा है। तो देखिए अब मैं दूसरे घर पहुँच गई हूँ, ये रास्ते में पड़ता है, आपको दिखाती हूँ। एक और छन्नी है किसी की, ये देखिए यहाँ पे उनकी बकरी है और ये घर है उनका। रास्ता थोड़ा सा छोटा सा है, ये यहाँ पे खेती बाड़ी थोड़ी बहुत होती रहती है। हाँ क्या कर रहे हो, ये इनकी छन्नी, ये आपकी छन्नी है। हाँ मैंने बोली ये आपकी छन्नी है दादी। हाँ है, ये चूल है। नहीं मैं गांव जा रही थी ना, पूरा घूम के आती, मैंने बोला ये एक और घर है, यहाँ पे तो मुश्किल ही कोई होगा। मेरे को देखती हूँ, ये देखिए पूरा घर बन रहा है, ये देखो बच्चा। हाँ हाँ वो तो कोई नहीं, वो तो हमारे यहाँ भी शहर में भी बहुत फूल है ये वाले से। पंदर जहाँ बहुत सारा पानी है, पानी यहाँ पे आता ही रहता है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा कम भी आता है पानी, वहाँ से ले जाने में थोड़ी होती है। ये देखो कोई बैठा हुआ है वहाँ, क्या कर रहे हो, पानी भर रहे हो। वीडियो है, वीडियो नमस्ते नमस्ते। क्या लगे आप मेरे, हाँ चाची, हाँ चाची, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये दादी है, गिरना मत, देखो गिरना मत नीचे। पूरी वीडियो मैम, ये यहाँ से पानी आता है, पानी नहीं आ रहा अभी। हाँ तो ठंडा पानी आता है यहाँ पे, यहाँ पे छन्नी है ये जहाँ गोर वोर रहते हैं। ओ वहाँ गोर रहते हैं, गोर मतलब गाय, गाय भैंसों, गोर भैंसे, और गढ़वाली में गाय गढ़वाली में गोर बोलते हैं। और वैसे ये देखिए छन्नी, इस उस तरफ भी ना बहुत गांव है, अभी दिखाऊंगी उनको। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे जो है ये इसके पेड़ रहते हैं, बांस के पेड़ हैं ये, और ये पूरे गांव में मिलेंगे आपको।
के साथ साथ देखिए, अब मैं इधर से जाऊंगी ऊपर की तरफ, आपको दिखाती हूँ अभी रास्ता पूरा एरिया। क्या मार रहे हो? चलिए, रास्ते तो ऐसे ही हैं, यहाँ पे मिट्टी ना फिसलन रहती है तो फिर चलने में प्रॉब्लम तो करती है, बट क्या करें। तो रास्ते ऐसे हैं, हम इधर से आई थी मैं इधर को, और अब यहाँ से मैं इधर जा रही हूँ। अब ऊपर चलेंगे, ऊपर की तरफ। अब ऊपर के जो गांव हैं वहाँ चलते हैं। एक और सुबह जहाँ से मैं आई थी ना वही जाना है ऊपर, इधर से ऊपर चलते हैं वापस। अगर वो घर पे हुए तो मिल लेंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है। ये एक और छन्नी आई किसी की, थकान हो जाती इतना चलते चलते। यहाँ पे लोगों के पहले के मकान भी हैं, लोगों ने सीमेंटेड मकान भी बना रखे हैं। इधर से ताला लगा रखा हूँ, मुझे लगा इस घर से मैं दूध लाई थी। ये एक मेरी दादी का घर है। गांव में जितने भी बुज़ुर्ग होंगे वो मेरी दादी होंगी, और जितने भी उनके बच्चे होंगे वो मेरे चाचा या ताऊजी होंगे, और जितने भी उनके बच्चे होंगे तो वो मेरे भाई बहन होंगे। तो ये है, ये देखिए यहाँ से भी गांव देखो कितना सुंदर है। चलिए, ये एक और छन्नी आई, अब एक छन्नी है। अब हम जा रहे हैं उस तरफ को, आगे की तरफ। देखिए इस तरफ काम चल रहा है, अब लोग पक्के मकान बनाने लग गए हैं यहाँ पे, घूम रहे हो गांव में। तो फिर इस तरफ नहीं, चलिए अब इस तरफ। और जो पुराने घर हैं वो थोड़े बंद भी हैं, ऐसे रास्ता है। ये देखिए, ये घर बना रखे इन्होंने, जिन दादी के घर से मैं दूध लेके गई थी सुबह, जिन्होंने मुझे सुबह डोलो पकड़ाया था जहाँ से मैं भी आ रही हूँ, उनका ये पुराना घर था, और अब उन्होंने वहाँ सीमेंटेड घर बना दिया है। तो यहाँ के उनके घर देखिए, जगह कम होती है ना तो इस वजह से सीमेंटेड घर बनाने पड़ते हैं उनको। और ये रहा, ये दूसरा घर है, ये दूसरे दादी का घर है। और यहाँ पे मुझे लगा दादी है नहीं, दादी। ये घर काफी बड़ा है, इनकी ना दुकान हुआ करती थी, और इनकी शायद से मशीन भी है जिसमें छांच वांच बनाते हैं। और ये इनकी तरफ खेत है बहुत सारे, हर जगह आपको खेत ही खेत मिलेंगे यहाँ। ये देखिए काफ़ी अच्छी बना रखे हैं खेत, और ये है कि बहुत जगह थोड़ी आग भी लग रखी है वो कूड़ा वगैरह जलाने के लिए, या कभी कभी गलती से भी आग लग जाती है। तो फिर मैं यहाँ ऊपर पहुँच गई हूँ, गांव का सबसे ऊपर वाला एरिया ही है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, बहुत अच्छा लगता है व्यू देख के। और अब हम बीच के जो गांव के घर रह चुके हैं वहाँ चलते हैं, और वहाँ शायद से कुछ लोग मिल जाएं। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि सीमेंटेड घर से बेटर मुझे ये वाले घर क्यों लगे गांव के पुराने, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप ये वाला घर देख रहे हैं, ये गांव का पुराना घर है। इस घर में बात ये है ना कि पहले हम थोड़ा अंदर चलते हैं, ठीक है। तो पुराने के घर जो थे
वो मिट्टी और पत्थर से बने थे। जैसे आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए शेड है, ये मिट्टी और पत्थर से बनते थे, ठीक है। ये जैसे कि ये वाला है ऊपर इनकी छत, ठीक है, और ये छत के ऊपर सिर्फ मिट्टी और पत्थर रहता था, और शायद से कुछ और चीज़ भी करते, क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता कि सीमेंट रहा होगा। पर अब जब ये बन जाता था, लोग ही इन पत्थरों को लेके जाते थे, जिनको घर बनाना हो खुद लेकर जाते थे लोग, और इसके साथ साथ वो बनाने के बाद, और इसको जैसे मैंने आपको बोला, ऑरेंज कलर के मिट्टी और गोबर से मिला के इनको लीपा जाता है, तब जाके ये ऑरेंज ऑरेंज कलर की रहती है। तो इस तरह बनाया जाता है, और पहले इतने ज़्यादा साधन नहीं थे गांव में कि आप मशीनों से घर बनाओ। अब तो फिर भी साधन है, तो अब फिर भी आप बना सकते हो, सीमेंटेड घर बना सकते हो, पर पहले उतने साधन नहीं थे कि आप सीमेंटेड घर बनाओ और ये मशीनों को यूज़ करो। तो पहले इसी से चलता था, और आपको यकीन नहीं होगा इतने सालों से ये घर खड़े हैं, भले इनकी मिट्टी थोड़ी सी वैसी होगी, बट फिर इनको ना अच्छे से उसको पेस्ट बना के देन ये दीवारों पे लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद पेंट कर सकते हो आप उसके ऊपर, कोई वो नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है, पोछा मारने की झंझट नहीं रहती, क्योंकि पोछा मार नहीं सकते, गीला हो जाएगा, मिट्टी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ झाड़ू मारा जाता है। और झाड़ू भी शहरों वाला झाड़ू नहीं होता, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला झाड़ू है, ये देखिए ये गांव के किसी घास से बनता है, और बहुत अच्छा रहता है, आराम से आप साफ कर सकते हो, छोटा होता है पर बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा है ये। तो मेरे कहने का मतलब है, और जब ये छत बनाते हैं, इसके अंदर देखो आपको मैं दिखाऊंगी, लकड़ी वगैरह यूज़ की है, हाँ यहाँ पे लकड़ी यूज़ की है, इसके अंदर जो है ना देखिए लकड़ी यूज़ करी है, ठीक है। और ये जो ऊपर की छत है, ठीक है, इसके अंदर भी लकड़ी इन्होंने यूज़ करी है, और ऊपर पत्थर है, तो ये सब घरों का यही हाल है, ऊपर पत्थर और उसके नीचे लकड़ी। बेनिफिट ये होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो आपके ये कमरे ठंडे नहीं होते हैं, गरम रखता है कमरे कमरों को, ठीक है। ये ऊपर पत्थर रहेंगे, और सीमेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, मुझे जहाँ तक लगता है सीमेंट तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं हुआ इसमें, मिट्टी और पत्थर ही यूज़ करें। बाकी मैं यहाँ की जो भी बुज़ुर्ग दादियाँ होंगी या मेरी दादी, उनसे पूछूंगी कि सीमेंट पहले यूज़ होता था, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सीमेंट यूज़ नहीं होता था पहले, और लकड़ी और पत्थर और मिट्टी मिट्टी यूज़ होती थी, गाँव की मिट्टी। और उससे मैं जब भी गर्मियों में आती हूँ, मुझे कमरों में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, ये गर्मियों में ठंडा रहता है कमरा, और सर्दियों में गर्म रहता है कमरा। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सर्दी है यहाँ गाँव में, ठंडी हवा चल रही है, और इसके साथ साथ यहाँ गाँव में मेरे को तो जुकाम भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, तो मैं श्रग लेकर आई थी, तो मुझे इससे थोड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे अब ठंड कम लग रही है, पर रात को फिर भी ठंड हो जाती है, और मैं रजाई वगैरह लेती हूँ। पर इन घरों की वजह से, हमारा भी घर ऐसी है, और इन घरों की वजह से इतनी भी ठंड नहीं लगती कमरों में, बस आप रजाई ले लो काफ़ी है। बट ऐसी अगर आप शहरों में देखो, जो सीमेंटेड बने हैं, कंक्रीट से बने हैं, सीमेंट और मिट्टी ईंट वगैरह से जो घर बने हैं शहरों में, तो वहाँ पे क्या है, बहुत जल्दी ठंड होगी, तो पूरे कमरे में इतनी ठंड हो जाएगी कि हमें रूम हीटर चलाना पड़ता है। और सर्दियों में ये हाल है, और जब गर्मियाँ होती हैं तो पंखा एसी तो चलाना ही पड़ता है आपको। तो यही चीज़ थोड़े शहर में है, तो अब लोग जब यहाँ पे भी सीमेंटेड घर बना रहे हैं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मेरा जो घर है दादी का, उस घर के बगल में एक और मेरे ताई जी का घर है, तो वो भी हमारे खास हैं, और उन्होंने भी अपना रूम सीमेंटेड बना रखा है, बट उनके रूम में इतनी ठंड होने लग जाती है, शुरू शुरू में नहीं लगती, मैंने अभी रियलाइज़ किया, मैं आज ही सोई उनके कमरे में, क्योंकि वो अकेली थी, तो रात को मैं कल सोई थी, तो वहाँ पे मुझे इतनी ठंड लगी कि रजाई भी काम नहीं करी इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो सीमेंटेड घर है, और सीमेंटेड घर जो होते हैं उनमें ठंड लगेगी, क्योंकि अब यहाँ गांव के अगर ये वाले घर होते जिस तरह मैंने आपको दिखाया, पुराने घर, इनमें ठंड नहीं लगती, इनमें ये सर्दियों में गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे होते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे घर, और इसलिए लोग इन घरों को तोड़वाते भी नहीं हैं, क्योंकि कल को अगर उनको सीमेंटेड घर में नहीं रहना, और
तो इधर रहना है तो वो इधर भी रह सकते हैं अपने अपने घर में। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों के घर दो दो बने हैं यहाँ पे, एक पुराना घर और एक सीमेंटेड घर। तो अब हम चलते हैं बीच के जो एरिया रह गया है वहाँ पे, और वहाँ से उनसे मिलती हूँ मैं। ओके, तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, बाकी मैं किसी दादी से पूछूंगी। जहाँ तक मैं गांव होकर आई हूँ बचपन से, तो मैंने पूछा है दादियों से, और मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया है कि यहाँ पे मुझे ये वाले घर, गांव के घर ज़्यादा बेटर लगते हैं सीमेंटेड घरों से। और बिल्कुल भी यहाँ पे अगर आप गांव के घर में रहोगे तो बिल्कुल भी आपको उस तरह की वो नहीं मिलेगा कि जैसे शहरों में तो होता है कि बिल्कुल वो आपको ठंड लगने लग जाती है सर्दियों में, और गर्मियों में गर्म लगता है, एसी और पंखे ही चलाने पड़ते हैं। यहाँ एक भी किसी के घर में पंखा नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में गर्म होता ही नहीं है। यहाँ पे लोग अपने कमरों में आराम से सोते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई और अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ से अब हम नीचे चलते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। ओ, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं तो उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और बहुत बार उत्तराखंड आ चुकी हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत आदत हो जाती है। पर जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करता या जो गांव नहीं आते हैं, शहर अगर उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं और फिर भी वो अगर शहर में ही रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये चीज़ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे अगर दादी हो, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कोई है अभी। दादी सब गई है, देखो सब लोग गेहूं चावल इस तरह से कर रहे हैं। ये एक और घर है, पुराना घर है, देखे तो यहाँ से। तो यहाँ पे फूल वगैरह कम कम है, और ये मेरा घर है पीछे से, देखिए इतना बड़ा। देखिए यहाँ से एक और घर आया, यहाँ भी लॉक ही लगा है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर घरों में भी सब लोग कहीं कहीं गए हैं, या फिर ज़्यादातर घर में लोग रहते ही नहीं हैं, ये होता है। आगे अब मैं उस तरफ एक घर रहता है, उस घर दिखाती हूँ। ये देखो दोनों बच्चे, कहाँ से आ रहे हो तुम? थैंक यू, वेलकम। अब इधर से आएंगे हम। ये मेरी छत है, ये हमारा घर का बरामदा है, और ये एक और घर है। अरे इधर कोई रास्ता नहीं जाने का, इधर से कोई रास्ता नहीं है, मैं सोच इधर ही आना, नहीं तो अच्छा उधर से। देखो इसको बोलते हैं क्याड़ा। जैसे सुबह मैंने, आप वीडियो देखेंगे आगे की, तो उसमें ये जो क्याड़ा है ये है लकड़ी। तो इस पे जब भी चूल्हे पे बनाई जाती है रोटी, जब भी चूल्हे पे कोई भी आग लगाई जाती है, तो नॉर्मल लकड़ी जो होती है ना, इसको इससे नहीं लगाई जाती, क्योंकि इसमें आग लगने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पे गांव में क्या करते हैं लोग, इस लकड़ी से लकड़ी में आग लगाते हैं, और जब ये थोड़ी सी आग लग जाती है तो देन फिर वो बाकी लकड़ियों में डाल दिया जाता है, और तब आराम से आग लग जाती है लकड़ियों में। तो ये थोड़ा अच्छा है कि आप लकड़ियों को, क्योंकि डायरेक्ट लकड़ियों में आग नहीं लगा सकते आप, लकड़ियों में फिर लगाएंगे तो बहुत टाइम लेती है, बहुत समय लेती है। और इसको क्याड़ा बोला जाता है, क्याड़े, और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने अपनी नानी के गांव में एक बार देखा था, बहुत हिम्मत वाला काम, लाइक ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको बनाने के लिए, और बहुत टाइम तक इनको पानी में डुबा के रखना पड़ता है, और फिर जाके जब इनका टाइम हो जाता है तब इनको अच्छे से पीटना पड़ता है, फिर जाके ये अच्छे से बनते हैं। पर बहुत मेहनत लगती है सच में, गांव के लोगों को तो मैं बोलती हूँ पता नहीं कैसे मेहनत करते हैं वो बहुत, और ये फिर तब जाके बनते हैं। और फिर ये आप आग में लगा सकते हो, चूल्हे में इसको लगा के आप आग से खाना बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, और फिर लकड़ियों का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब एक और घर पर चलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से रास्ता है ये वाला, यहाँ से जहाँ से हमने एंट्री की थी, और वहाँ चलेंगे।
अभी मैं इस घर में गई थी तो यहाँ पे कोई था नहीं उस समय, पर अभी देखा मैंने छत पे है वो, तो मैं मिलती हूँ दादी से और वापस आपको दिखाती हूँ। फोन ले आती है मम्मी, फोन आ रहा की नहीं? मम्मी का फोन नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, गोलू फीसे देखे अब मम्मी का बना दे। दादी दादी नया दी जोन दादी का जिम्मा दी। हाँ जी नमस्ते। वीडियो बनाई ना दीदी, माफ हो गई थे, मक्खी मक्खी। कोई बात नहीं, क्या हुआ? ओए यहाँ पे इनकी छत है। क्या कर रहे हो दादी? ये देखो मेरे दादी, दादी हैं ये। क्या हो? हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ ये राम दा, कैसे हो? यहाँ पे दादी यहीं पर ये। ये लो सब छुई बता, इसी में रिकॉर्ड करूंगी मैं, ठीक है? छुई बल वो छुई छुई का मतलब होता है बातें करना गढ़वाली में। फोटो नहीं, वीडियो बना रही हूँ मैं। हाँ वीडियो बना रही है। हाँ अपन मम्मी को भेज रही है। नहीं मैं मैं अपनी वीडियो बना के दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ गीत लगा लो और क्या, नीचे आ जाओ ना, नीचे नीचे बैठ जाओ और क्या, यहाँ ना पूरा अच्छे से आ जाओगे। हैं आओ ना नीचे, चलो चलो एक साथ। यही पर नहीं तुम दीदी उठी साथ। पैजी मेरी छिए केला मामी तामा से डोला दनिगा तामा से उरु ओयो दी दादी ए जुरु ते जाना जोला बोले जाना गाने का मतलब है कि मेला होता है मंदिर है ना। हाँ अच्छा ठीक है। तो हाँ मेला होता है। अच्छा मैं अपने गांव से होके आ गई हूँ, अब मैं अपना घर दिखाती हूँ। मैंने अभी घर नहीं दिखाया तो अभी खाली पड़ा है घर, तो मैं घर दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ से एंट्री होती है और ये यहाँ से है, ये है मेरा घर का बाहर का बरामदा, मतलब हॉल टाइप बोल सकते हो, हॉल। हाँ हॉल जैसा बोल सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं और ऊपर जाने के बाद यहाँ से रसोई घर आता है। ये मेरी एक ताई जी का घर है, रूम है एक तरीके से, और हमारा और हमारी ताई जी, मेरी दो ताई जियों का यहाँ पे घर है। तो ये मेरा कमरा है, मेरा भी तो क्या है, मतलब हमारा कमरा। और ये हमारा एक और कमरा है, ये उबर बोलते हैं। उबर का मतलब यहाँ पे हम सब्जी वब्जी रख सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं। और ये रसोई घर है और यहाँ से ऐसे जाते हैं। और ये मेरी ताई जी और का बाथरूम है, यहाँ नहाना और टॉयलेट पॉट वगैरह है। इंग्लिश नहीं है पर इंडियन है। ये हमारा डॉगी है, हमारा नहीं है, बहुत दिनों के बाद यार, मतलब ये अचानक से आ गया डॉग ये। ये मेरी दादी जा रही है ऊपर, डरा दिया था मेरे को। मेरी दादी जा रही है ऊपर, तो मैं आपको अपना रूम, यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है? ये रूम है और यहाँ से हम अंदर आए और ये यहाँ पे अपना अपना सामान रखा है। ये थोड़े गंदे कपड़े, इनको धोना है। और ये बल्ब है इधर लगाया हमने,
और यहाँ पे दादी ने थोड़ा बहुत सजा रखा है, कैलेंडर लगा रखे हैं यहाँ पे इन्होंने पुराने पुराने सालों के, और ये थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ सब देखेंगे, ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, ये देखिए। ये जब मैं छोटी थी ना तब से यहाँ पे ये सब कुछ रखा हुआ है और अभी तक कभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम आते हैं गाँव से तो फिर गाँव आते हैं तो फिर सेट करना तो हम करते नहीं हैं, तो इसलिए कैलेंडर रखे इन्होंने। ये सोफ़ा है हमारा और इस पे ये मम्मी ने भिजवाया है हमारे सोफ़े के कवर यहाँ सामान रखने के लिए, ये यहाँ से एंट्री गेट है। और ये अलमारी है, अलमारी में आप सामान रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ पे ये दूसरा सोफ़ा इसका, ये मेरा बैग है और ये मिरर है यहाँ पे रखा, और ड्रेसिंग टेबल लगा लो ये एक और सोफ़ा, और यहाँ पे ये कैलेंडर लगा रखे हैं वही, ये मिरर है बहुत पुराना, और यहाँ पे टीवी लगा रखा है हमने, वहाँ पे बोर्ड है और यहाँ पे हम सामान रख सकते हैं। और ये हमारी है खिड़की जहाँ से हमेशा ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छी खिड़की है। और ये हमारा है बेड, यहाँ पे सो सकते हैं हम, रजाई है। ये हमारा टेबल है और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इस तरफ है हमारा मंदिर, ये मेरा मंदिर है मतलब यहाँ पे गाँव में मेरे घर का, और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ लगा रखे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फ़ोटो, अगर आप गेस करो तो, ये मैं छोटी की फ़ोटो है मेरी, ये मैं हूँ, ये मेरा छोटा सा भाई है, मेरा छोटा भाई है ये, अगर आप इस तरह ये देखिए, फोकस करती हूँ मैं, ये मेरी दादी, दादी ने बस ऐसे अरेंज कर रखे हैं ये फ्रेम वगैरह। और ये मेरी दादी के साथ है, ये मेरे चाचा का लड़का है, बड़ा लड़का है तो अभी छोटा है, छोटे की फ़ोटो है। नीचे यहाँ पे बहुत सारे भगवान की फ़ोटो लगा रखी है, और ये मेरे दादाजी जिनको मैंने देखा नहीं है, और बस जब मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी तब ये एक्सपायर हो गए थे। और ये वॉच जो रुकी रहती है, ये मेरे मम्मी पापा है, ओ माय गॉड, ये पहले की है शायद से जब जवान रहे होंगे और शादी उनकी हुई थी तब की है ये फ़ोटो, कैलेंडर है। और ये फ़ोटो जो है ये मेरी बुआ की है, वो अभी शिमला में रहती हैं, और ये मेरे मामा जी उनके हस्बैंड, हमारे में जो बुआ होती है उनके हस्बैंड को मामा जी बोला जाता है, और ये उनकी लड़की है छोटी सी क्यूट सी, अब तो बड़ी हो गई है। और इस तरफ है वही मेरे मामा जी, वो फौज में है ना तो उन्होंने ड्रेस के साथ फ़ोटो खिंचवाई, तो ये कैमरा। और यहाँ पे अब इसमें जो ऊपर देखो तो ऊपर की तरफ जैसे मैंने आपको बताया था लकड़ियों का काम हो रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये देखिए बाहर पत्थर का बना हुआ है और ऊपर लकड़ियों का काम है पूरा, बस मेरी दादी ने सामान वगैरह रखे इन लकड़ियों में ही पास से, ये इस तरीके से। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर किचन की तरफ, और वो दिखाऊंगी कि किचन में कैसा है। अभी रात हो गई थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, मॉर्निंग में थोड़ा ना रोशनी काफ़ी ज़्यादा आने लग जाती है, तो मैंने सोचा कि जब गांव से आ जाऊँगी तब बना दूँगी। तो अभी चलते हैं हम बाहर, बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए अब मैं आपको यहाँ से दिखा, जब हम शहरों में देखते हैं तो हमें कड़ी लगाने के लिए, कुंडी लगाने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, बट यहाँ पे इस तरह का नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, मैं आपको दिखा। लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका ये है, ये है, ये इतना बड़ा सही है, ठीक है, और हमने क्या करना है, हाँ तो दरवाज़ा एक ये रहा, ऐसे लगाना है ये दरवाज़ा, ठीक है, और जो दूसरा दरवाज़ा है उस पर ये लगा हुआ है, और इसको ऐसा खींचना है तो ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कड़ी है ना इसको क्या करनी है, यहाँ लगा देनी है, एक मिनट जोर लगाना पड़ेगा मुझे बस थोड़ा सा, ये लग गया, देखिए लग गया ना, और अब इस पे ताला लगा सकते हो आप, यहाँ पे, यहाँ कड़ी पे, इधर, और ये खुलेगा ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ये देखिए मैं जोर दे रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खुल रहा है ये, बस इससे ज़्यादा नहीं खुलेगा, तो ये ऐसे ही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये देखिए कैसा है, और यहाँ पर इस तरफ ये, यहाँ पे लाइट लाइट जला सकते हो, ये मीटर है बिजली वगैरह का, और ये बल्ब है, और ये मैं हमेशा यहीं बैठी रहती हूँ, बाहर जब भी आपको देखूँगी वीडियो में मैं यहीं बैठी रहूँगी, और यहाँ से मैं बैठ के पूरा व्यू यहाँ का दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छा लगता है देखना, सुबह उठ के
तो कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी मंदिर। सुबह सुबह चले जाएंगे और नहा के सीधा मंदिर जाएंगे। ऊपर ऊपर की तरफ है वो मंदिर, गांव से थोड़ा दूरी पे है, काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और इसके साथ साथ फिर आके हम खाना खाएंगे और फिर तब शाम के टाइम पे मैं नीचे पापा के साथ खेत दिखा दूंगी आप लोगों को, और उसके साथ साथ आप लोगों को दुकान भी दिखा दूंगी और रास्ता भी दिखा दूंगी कितना दूर है। तो कल की वीडियो में ये रहेगा और खाना भी तो दिखाई दूंगी अगर क्या क्या हमने खाया। वैसे तो हर दिन हम नई नई चीज़ें खा ही रहे हैं, गाँव की और कुछ कुछ शहर की जो भी बनती हैं तो उनको भी दिखा रहे हैं, खा ही रहे हैं। तो फिर ये वीडियो मैं एंड करती हूँ यहाँ पे, और प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना ये पूरी गाँव की, और मैं पहली बार बना रही हूँ गाँव की वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी गाँव के हमारे गाँव के रहने वाले और वो देख रहे हैं वीडियो तो डेफिनेटली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और वीडियो डालूँगी अपने गाँव की, और फिर आपको आई होप आप सबको मज़ा आए गाँव की वीडियो देखने में। और यहाँ पे बहुत ठंड है, अब ठंडी हवा चलने लग गई, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। अगर मेरे बाल खुले होते तो मैं आपको दिखाती कि कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी हवा चलने लग गई अब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।